हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सारी तैयारियां हो गई है, हम तीनों भी रेडी हो गए हैं और बस अभी निकल रहे हैं डायरेक्ट बेंगलोर के लिए। अपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने पैकिंग रात को ही कर दी थी और अभी सुबह का 4 बजने वाले हैं, बस जस्ट निकल रहे हैं अभी। नहीं मम्मी, हमारे मतलब सफर का पहला टोल, मस्ताड़ा गुंडा का पहला टोल हमारी गाड़ी का कट चुका है। टाइम ऑलमोस्ट 7 o'clock होने वाला है और अभी हम पहुंच गए नोएडा में। जैसे कि मैंने पहले बताया, घर से हम निकल गए थे 4:15 पर और अभी हम लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक। आगरा के आसपास में हम ब्रेकफास्ट लेंगे और झलक पीछे सो रही है झलक। आज हमारा सफ़र है वो 950 किलोमीटर का था, जिसमें से अब ये रह गया है 625 किलोमीटर। ये हमारा डे का फर्स्ट मील, क्योंकि अभी हमें 5 घंटे हो गए थे ड्राइविंग करते हुए और जस्ट अभी लिया ब्रेक ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट स्टॉप लेंगे या तो लंच के लिए, क्योंकि वैसे तो हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया है, बस झलक ने नहीं खाया। इसने मैगी मंगवाई थी बट इसने नहीं खाई अच्छे से वो, तो इसके लिए हमने कुछ खाने का ले लिया, कुछ घर से लेके आए हैं मखाने वगैरह। झलक ऐसे ही खेलती रहती है बेचारी, पीछे इसका बैट लगा देते हैं। कभी तो ये मतलब दुकानदार बन जाती है कि मुझसे कुछ सामान ले लो, कभी कुछ ऐसे ही। अभी अपने पापा को इन्वॉल्व किया हुआ है कि मैं आपके लिए सरप्राइज लेके आऊँगी और आप वो लो, तो ये दोनों आपस में गेम खेल रहे हैं इस टाइम। चिप्स खा रही है ये 11 के लिए था ना, है फिर आप क्यों खा रहे हो इसको? अच्छा जी, ये कोई बहुत पुराना किला है, धौलपुर का, सॉरी धौलपुर का पुराना किला है ये। बीच में यड़गी बेचारी दिखा दूँ आप लोगों को, ये रहा। सफ़र का आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है और अभी 6 घंटे का रास्ता और बचता है। अगर ब्रेक होगा तो केवल चाय कॉफ़ी का ही होगा, खाने का तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग स्नैक्स थोड़ा यहीं पे इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि पीनट वगैरह और कैशू या फिर मखाने, वो सब साथ में कुछ फ्रूट्स भी हैं। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो अभी आप लाइक शेयर करना। अच्छा जी, अभी मैं भी आ गई हूँ पीछे झलक को सुलाने के लिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, तो इसका नींद का टाइम होता है इस टाइम, तब इसको सुला दूंगी, फिर ये 1 घंटे की नैप ले लेगी आराम से, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जब बाई रोड जाते हैं तो कितने इंजॉय करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है और मौसम भी अच्छा हो गया है, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अभी काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रखा है। और आज जो टोटल ड्राइविंग टाइम है वो हो गया हमारा, मतलब होगा अभी 12 घंटे तो हो गया, बट 3 घंटे और ऐड कर लो तो 15 घंटे बैठ जाएगा आज का ड्राइविंग टाइम। मेरे सामने जो गाड़ी जा रही है HR10 के नाम से नंबर से, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये नंबर कहाँ का है, क्या आप में से कोई
जानता है कि जो ये बड़ी बड़ी लॉरी होती हैं इनके पीछे जो ये कपड़े से आई क्यों लटके रहते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर कैसे, तो अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। जब हम लोग यहाँ से गए थे तब भी हमने ऐसे मतलब बहुत सारे लॉरियाँ देखी थी जिनके ऊपर चुन्नी या फिर मतलब ये ऐसे ऐसे कपड़े लटके हुए थे, तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये लटके क्यों हुए हैं। मतलब किसी के ऊपर तो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ही लगे ही रहते हैं, और किसी किसी के ऊपर तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया इसके ऊपर सारे के ऊपर लगे हुए थे। तो अगर आपको किसी को पता है कि इसके क्या रीज़न है या क्या कुछ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे मौसम बिल्कुल बिगड़ चुके हैं और बारिश मिल गई है, अब पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा। वैसे तो होटल का तो 1.5 घंटा दिखा रहा है, बस बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो। थैंक गॉड बारिश रुक चुकी है, मतलब वो केवल 10 मिनट के लिए मिली थी और ठीक थी, मतलब ज़्यादा बारिश तो नहीं थी, अच्छा हुआ। क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कुछ रुकने के लिए भी नहीं है। होटल हमारा रहता है 29 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 31 मिनट। लो जी पहुँच गए हैं फाइनल होटल में। कैसा लग रहा है गाड़ी से नीचे उतर के? बढ़िया वर्जिश हो गई है। आओ चलो अभी आ तो गए होटल में, अभी देखते हैं वैसे तो रूम यहाँ पर होंगे, बाकी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले रूम में आके हम फ्रेश हुए और अभी कर रहे हैं रेस्ट। अभी चाय पीने का मन तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक टाइम 7 o'clock हो गया है, तो चाय तो नहीं पियेंगे। बस अभी थोड़ी देर में खाना ऑर्डर कर देंगे जो भी खाना होगा, और अभी बस रेस्ट कर रहे हैं। झलक रहते हैं, अपना टीवी चलवा लिया, आराम से बैठ के टीवी देख रही है उधर। अभी खाना वाना हो गया है और बस अभी कर रहे हैं सोने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऐसा मन कर रहा है कि बस लेट जाएँ, और जो भी ये व्लॉग है इसको हम टू भी कंटिन्यू करते हैं कल से।